हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम आस्था जोशी है और आज हम एनर्जी के बारे में थोड़ा समझेंगे। एनर्जी बहुत सारे टाइप्स की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, और ये सभी एनर्जी के लिए एक कॉमन लॉ है जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज एक मॉडल की मदद से हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी दोनों के बीच का रिलेशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी समझेंगे। आप यहाँ देख सकते हो अभी ये दोनों स्टेबल हैं, तो जब ये स्टेबल हैं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व्ड है और ये दोनों वेट्स एक कॉमन थ्रेड के मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। जब मैं इसको पुल करके मोमेंट दूंगी तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और थ्रेड के मीडियम के थ्रू अब ये काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ट्रांसफ़र होगी और इसको मूवमेंट देगी। अगेन यहाँ पे इस वेट में जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी और इसकी वजह से ये थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे एनर्जी का कन्वर्जन कंटिन्यू रहेगा। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी को ना ही प्रोड्यूस किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। ये मॉडल आप अपने घर पे भी बना सकते हैं। इस मॉडल को बनाने के लिए आपको चाहिए एक स्केल, दो इक्वल साइज के वेट और एक थ्रेड। अगर इसमें आपको हमारी कोई हेल्प चाहिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं या तो फिर आप कॉमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। थैंक यू।